मैं कई सालों से शराब पी रहा हूँ। इसे पीने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे ही इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी बीवी और बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं। मुझे बस शराब चाहिए, बाकी सब जाए भाड़ में। दोस्तों, ये कहानी हर एक शराबी की है जिसके जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, और वो है शराब। उसे अपने घर वालों की कोई परवाह नहीं। वो बस दिन भर शराब की नशे में धुत रहता है क्योंकि उसे कुछ होश ही नहीं। शराब हमारे समाज का वो दुश्मन है जो सिर्फ हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं दे सकता। एक शराबी जानता है कि शराब पीने से उसका कुछ भी भला नहीं होने वाला, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाता क्योंकि वो शराब के सामने अपने घुटने टेक दिया है। पर शराब के सामने अपनी हिम्मत हारने से क्या हम सुकून से जी पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। शराब की लत से लड़ने के लिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इसकी लत को छोड़ने के लिए हमें खुद को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। हम सोच तो लेते हैं कि अब से शराब नहीं पीऊंगा, पर जब ये संकल्प टूटता है ना, तो उसके साथ हमारी हिम्मत भी टूट जाती है और खुद पर से भरोसा भी उड़ जाता है। अगर आपको शराब की लत छोड़ना है तो आप पूरी तरह मन बना लो और आईने के सामने खड़े होकर बोलो कि इस आईने में जो इंसान है उसे मुझे शराब की लत से आज़ाद करना है। आपको आईने में अपने आप से कमिटमेंट करना होगा और खुद से बार बार आपको बोलना होगा कि मैं शराब की लत को हराऊंगा, मैं शराब की लत को हराऊंगा। आपको खुद से बोलना होगा कि अगर मैंने इस लत पे विजय प्राप्त कर लिया तो मैं खुद की नज़रों में ही ऊपर उठ जाऊंगा, मेरा आत्मसम्मान बढ़ जाएगा। जब आप इस लत से लड़ोगे तो आपको कई बार हार का सामना करना पड़ेगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं इस लत से नहीं जीत पाऊंगा। पर ऐसी सिचुएशन में आपको इस लत से मिली हर हार को गले लगाना होगा और बस काम करते जाना होगा, चाहे हार मिले या जीत। जब आप हार को गले लगाते हो तब आप निडर बन जाते हो और आपको हर चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो वो आसान लगने लगती है। आपको बस इस लत को हराने के लिए खुद को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और खुद से बार बार बोलते रहो कि मैं इस लत को हराऊंगा। इसे हराना कठिन है पर मैं शराब की लत को जरूर हराऊंगा।